ਆ ਰਹੇ ਆ। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना भोपा क्षेत्र अंतर्गत जो गंगा की कटरी का इलाका है, खादर का इलाका है, उसमें कई सिवरल इनपुट्स प्राप्त हुए थे कि उसमें शिकारियों का एक गैंग सक्रिय है जो कि जंगली जानवरों का जो कि प्रतिबंधित हैं उनका शिकार करता है और उनके शिकार करने के बाद उनका कमर्शियल उपयोग करता है। इस सूचना पर चौकी प्रभारी शुक्रताल, चौकी प्रभारी सीकरी और प्रभारी निरीक्षक भोपा के नेतृत्व में और क्षेत्राधिकारी भोपा के निर्देशन में इनके द्वारा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कि जो है तीन शिकारी जो कि मूल रूप से जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और दिखाने के लिए कुछ और कार्य करते हैं, इनके द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर, पुलिस को देखते ही जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से, प्रत्येक के कब्जे से तमंचा और बंदूक बरामद हुए हैं अवैध, जिनका उपयोग ये शिकार में किया करते हैं। साथ ही इनके साथ शिकार को पकड़ने के लिए जाल बरामद हुआ है जो आपके समक्ष उपस्थित है और मौके से जंगली जानवर का अधजला शव भी मिला था, जिसके बारे में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई। इस तरह के ऑपरेशन हम और चलाएंगे ताकि सेंचुरी क्षेत्र में कोई भी वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन न हो। कैसे इन लोगों पर पहले भी कोई मुकदमा है? ये हम ट्रेस करा रहे हैं क्योंकि यह एरिया बिजनौर से भी मिलता जुलता है। आज हमारे क्षेत्राधिकारी बिजनौर गए भी थे, इस संबंध में हम कोशिश करेंगे कि ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जाएँ। सर, लास्ट वीक भी एक घटना हिरण के शिकार को लेकर हुई थी कोकाजी थाना क्षेत्र में और रामराज थाना क्षेत्र में, अक्सर होता रहा है, तो क्या इसके लिए प्रशासन अलर्ट होगा? नहीं, जैसे ही इसमें इनपुट्स प्राप्त होता है या ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, हम तुरंत कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाते हैं और इस तरह की कोई भी अवैधानिक गतिविधि को सेंचुरी क्षेत्र में नहीं होने दिया जाएगा। बिजनौर और मुजफ्फरनगर की जो सीमा है उस पर बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, तो उसके लिए अलग से ऑपरेशन चलाएगी पुलिस? हाँ, हम बिजनौर पुलिस के साथ मिलकर के ऑपरेशन चलाएंगे।